हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक ये है कि अगर आप डॉक्टर को क्या पहले से कंफर्म होता है कि आपका जो IVF है वो सक्सेस होगा या फेल होगा, उससे रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर आपको आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्यू करने के साथ साथ प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, IVF जो है एक तरह का ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर हमें कुछ परसेंट चांसेस ही बोलते हैं कि वो जो है उससे सक्सेस होगा। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमें कुछ बातों को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, और जिस जो सिर्फ पेशेंट को भुगतना पड़ता है। तो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एजुकेटेड हैं, वो हर एक बात को नॉलेज रखते हैं, हर एक बात को पूछने की कोशिश करते हैं। तो जिनका एक IVF फेल हो जाता है, उन्हें तो सारी नॉलेज हो ही जाती है कि किस तरह से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस तरह से जो है ट्रीटमेंट इसका चलता है, कितने पैसे इसमें लगते हैं, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पास हर एक चीज़ की रिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें डॉक्टर कैसे आपको कंफर्म कर सकता है, ये आपको डॉक्टर ग्रेड के ज़रिए जो है वो कंफर्म कर सकता है। अगर आपके जो है एम्ब्रियोस तैयार किए जाते हैं, तो एम्ब्रियोस तैयार जब आपका एग पिकअप हो जाता है और उसके बाद जो एम्ब्रियोस होते हैं, एक तो आपके एम्ब्रियोस में अगर फ्रोजन के चांस फ्रोजन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो डॉक्टर तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर फ्रोजन है तो उसके चांस 10% से 15% तक बढ़ जाते हैं। अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो 50 से 60% रहेगा, लेकिन अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो 70 से 80% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर डॉक्टर जो है वो ग्रेड के बारे में बताते हैं, तो ग्रेड जो है वो ए और बी ग्रेड के जो एम्ब्रियोज होते हैं वही अपने अंदर ट्रांसफ़र करवाइए। अगर सी और डी ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं, अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इसके चांसेस कम हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि सी और डी ग्रेड के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको उनका कोई बेनिफिट ही नहीं होता ट्रांसफ़र करने का। तो ए और बी के जो होते हैं वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं वो पहले से ही कंफर्म कर देते हैं कि आपका जो एम्ब्रियो है वो सी और डी ग्रेड के हैं। तो उनको आप अपने अंदर ट्रांसफ़र मत करवाइए, क्योंकि सी जब एम्ब्रियोस तैयार किए जाते हैं तो वो हमारी एग की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं और स्पर्म्स की जो है मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। अगर वो दोनों जो हैं वो बहुत अच्छे हैं तो अच्छे एम्ब्रियोस तैयार हो जाते हैं, अच्छे एम्ब्रियोस तैयार होंगे उसे अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो ये डॉक्टर को कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है आपके ग्रेड हैं। और आपको एक बात मैं बता दूँ कि हमें नहीं पता होता कि हमारे जो एम्ब्रियोस हैं, हमें तो नहीं पता कि वो ए ग्रेड के हैं, बी के, सी के, डी के हैं। हमें जिस तरह से डॉक्टर बता देते हैं हम उस तरह से चल लेते हैं, लेकिन आप अपने रिपोर्ट्स में ये लिखित रूप पर मतलब कि उसको रिटन में लीजिए। जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उस पर रिटन में लिखा हुआ है कि मेरे जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं। सिर्फ ओरली अगर आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं या अगर वो आपको बता रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। आपकी रिपोर्ट में रिटन में होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी एक सेंटर से अगर ट्रांसफ़र करवाया है, अगर आप नेक्स्ट सेंटर पर भी जाएंगे, तो अपनी रिपोर्ट्स में आपको वो रिटर्न में दिखा सके कि आपके जो एम्ब्रियोस थे वो किस ग्रेड के बने थे। तो आपके एम्ब्रियोस जो हैं वो जिस भी ग्रेड के हैं, तो वो डॉक्यूमेंट पर रिटर्न में लिखा होना चाहिए कि आपके जो एम्ब्रियो हैं वो ए ग्रेड के हैं या बी ग्रेड के हैं। सी और डी ग्रेड के जो बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं वो उसे थ्रो कर देते हैं, वो अंदर ट्रांसफ़र ही नहीं करते हैं। और अगर बार बार ऐसा हो रहा है, एक या दो बार ऐसा हो रहा है, तो अगर अगर हम सी और डी ग्रेड के ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे, आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसका हमारी बॉडी पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस अगर हम बार बार उस प्रोसीजर को करवाते रहेंगे, देखिए करवाना तो ज़रूरी है, एक दो तीन साइकिल ये करवाने ज़रूरी होते हैं, 3 साइकिल तक के बाद वो स्टॉप कर देते हैं,
लेकिन अगर आप जो है किसी और सेंटर में जाएंगे तो इसके लिए आपको डोनर एग या डोनर स्पर्म्स की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उससे आपके जो एम्ब्रियोज जो हैं वो अच्छे भी बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपनी कंडीशन का पता होगा, अपने एम्ब्रियोज का पता होगा, तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, जैसे कि डोनर एग या डोनर स्पर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। उनका यूज़ करके आप जो अपने एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग को बढ़ा सकते हैं। एम्ब्रियो की ग्रेडिंग बढ़ेगी तो उससे IVF के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे, सक्सेस रेट भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आपको इस तरह से डॉक्टर जो है वो आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहेगा, कितने परसेंट रहेगा और सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये डॉक्टर आपको कंफर्म कर सकता है एम्ब्रियो ग्रेडिंग के जरिए। और ये आपको मैं अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ कि अगर डॉक्टर सिर्फ आपको ओरली बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो रिटन में लिखा होना चाहिए, तभी आप मानेंगे कि आपके जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो इस ग्रेड के हैं। अदरवाइज़ आपको आपको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है कि हम मुझे भी नॉलेज नहीं है कि जो मुझे वो एम्ब्रियोज अंदर ट्रांसफ़र किए गए थे वो ए है, बी है, सी है, डी है, ये डॉक्टर ही हमें कंफर्म करता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही हमें कंफर्म करता है, तो वो लिखा होना चाहिए। तो इस चीज़ से आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। और ए और बी ग्रेड के होंगे तभी आप ट्रांसफ़र करवाइए, सी और डी ग्रेड के जो होते हैं एम्ब्रियोज उनके सक्सेस रेट के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं, राधे राधे।